हेलो फ्रेंड्स, मैं एम एस कुमार, आप देख रहे हैं आई सी न्यूज यूट्यूब चैनल। अगर आप झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का बीसी एजेंट हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे। सबसे पहले तो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का बीसी पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहां पर हमको आधार कार्ड से कस्टमर का बैलेंस चेक करना है, तो चलिए हम चेक करके दिखाते हैं। AEPS ट्रांजेक्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा बैंक है कस्टमर का। आधार कार्ड दे रहा तो यहाँ पर UID पे टिक कर देंगे, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। सर्विस में बैलेंस इंक्वायरी सिलेक्ट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे। अब कोई एक फिंगर पे क्लिक कर देंगे और ऑथोराइज पे क्लिक करेंगे। कस्टमर फिंगरप्रिंट पे अपना उंगली रखेगा, जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा तो ओके पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देना है यहाँ पर। उसके बाद एक मैसेज प्राप्त होता है, नो वैलिड अकाउंट मैप्ड टू द आधार नंबर। अगर ये एरर देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कस्टमर का आधार कार्ड है तो कस्टमर का बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, मैप नहीं किया हुआ है। तो कस्टमर को बोल देना है कि उसका आधार कार्ड को बैंक में जाके लिंक करा लें। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं तो किस तरह से होता है एक्टिवेट, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का आप देख लेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नया अपडेट मिल सके। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।